हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत किया जाता है हमारे नए चैनल SOL डिफेंस में। आज आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो आज आपको फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि जिन बच्चों को भी इंग्लिश का पेपर है SOL का या क्लास 12 का, उसके लिए हम राइटिंग सेक्शन के सारे फॉर्मेट्स लेके आ गए हैं विद एग्जाम्पल। आज आप इस वीडियो से इंग्लिश के काफ़ी मार्क्स गेन करने वाले हैं, क्योंकि आज आपको सारे फॉर्मेट्स बताए जाएंगे विद एग्जाम्पल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि SOL से रिलेटेड अपडेट हम देते हैं और देते रहेंगे। और ये वीडियो 12th क्लास या 11th क्लास के बच्चों के लिए भी यूज़फुल है। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किया तो आप यहाँ से सारे फॉर्मेट्स ही लेके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेके आ जाते हैं लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। सबसे पहले आ गया फॉर्मल लेटर फॉर्मेट। इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, नेम ऑफ द सेंडर, एड्रेस, डेट, फिर टू लिखना होता है, फिर नेम ऑफ द रिसिपिएंट जिसको भेज रहे हैं, फिर डिजाइनेशन, कंपनी नेम और एड्रेस। डिजाइनेशन जरूरी है लिखना। फिर अपना सल्यूशन, डियर सल्यूशन मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप, डियर सर, रिस्पेक्टफुल सर, मैडम, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आपको सब्जेक्ट, मेन चीज़ होती है आपकी सब्जेक्ट। फिर आपको बॉडी टू द लेटर, इसमें आपको तीन पैराग्राफ लिखने हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद में आपको उसका वो देना है, कंक्लूजन देना है, उसके बाद आपको उसके पॉइंट्स देने हैं। इतने तीन पॉइंट लिख देंगे, फिर आपको थैंक यू फॉर द कंसिडर, फिर आपका योर सिंसर नेम और सिग्नेचर कर देना। ये होगा आपका फॉर्मल सिग्नेचर, जो आपका एडिटर को नहीं होगा, सीधा होगा जो आपका। और एक आता है आपका इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट, जिसमें सिर्फ आपको एड्रेस लिखना होता है सेंडर का, और डेट लिखी, फिर उसका नाम लिखा, बॉडी ऑफ द लेटर, फिर पैराग्राफ लिख दिया कि आज कुछ भी पूछने के लिए, जैसे कोई बुक के बारे में बोल लिया, किसी की तबीयत फूल ली, उस टाइप से होता है इनफॉर्मल लेटर। आस्क फॉर द वेलबींग ऑफ द पर्सन, द मेन रीज़न टू राइट द लेटर, कि हमने लेटर क्यों लिखा उसका रीज़न, और लास्ट में कंक्लूजन एंड द एंड ऑफ द लेटर, फिर योर लविंगली नेम ऑफ द सेंडर। ये हो गया इनफॉर्मल लेटर, हो गया फॉर्मल। अब आपको एग्जाम्पल दिया जाते हैं, इसके सैम्पल देख सकते हैं। सेक्टर 70 वशी न्यू बॉम्बे, ये मैनेजर को लिख रहा है, जो आप राइट साइड में है ना, ये आपको लेफ्ट हैंड में लिखना है, ये गलती से प्रिंट उधर हो गया। द मैनेजर मॉडर्न रेस्टोरेंट, सेक्टर 23 वाशी, 6 जुलाई 2010, डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट, ये सब्जेक्ट है, इसके आगे सब्जेक्ट जरूर लिखना, आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट अ मील वी हैड इन योर रेस्टोरेंट येस्टरडे, जो हमने खाना लिया था रेस्टोरेंट, उसके हिसाब से उसके ऊपर ये कंप्लेंट लिख रही है। फिर आपने पहला पॉइंट लिख दिया क्या कंप्लेंट थी, फिर कॉन्क्लूजन लिखा, फिर बताया कि आपको ये चीज़ें सही करनी चाहिए, फिर योर फेथफुली साइन, फिर मैम के नाम। अब ये दूसरा आ गया एडिटर। एडिटर के ज़्यादा आते हैं आपके SOL में, तो आप ये वाला जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले एड्रेस लिख दिया उसका, फिर डेट डाल दी, फिर जिसको लिखना है टू द एडिटर वो लिख दिया, सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर जिसको एडिटर को लिखना है उसका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट वाटर लॉगिंग इन द लोकेलिटी, फिर डियर सर मैडम, फिर अपना पॉइंट लिख दिया, इंफॉर्मेशन दिया आप किस चीज़ पर लिख रहे हैं, फिर उसके बारे में सॉल्यूशन दिए, फिर लास्ट में कंक्लूजन दे दिया, फिर थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली सचिन सिन्हा, प्रेसिडेंट RWA गीता कॉलोनी। ये हो गया आपका लेटर का सब कुछ। अब अगला आता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट। रिपोर्ट राइटिंग में क्या करना होता है, कुछ नहीं, बस आपको एक अच्छी सी हेडलाइन आनी चाहिए, फिर प्लेस और डेट, फिर इंक्लूडिंग वही पैराग्राफ, आपको सबसे पहले आपको लिखना है इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद लिखना है आपको कंक्लूजन लिख देना, और उसके बारे में आपको सजेस्टेड पॉइंट लिखना है कि आपको ये चीज़ें सही करनी चाहिए, लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है। आपको इसको आराम से 4 से 5 पैराग्राफ में लिखना है। अगर आप SOL का पेपर दे रहे हैं तो आपको आराम से 3 से 4 पेज तो लिखने पड़ेंगे, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, अंदर कहानी बनानी है आपको लंबी से लंबी। देख सकते हैं ये फिर से एक एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ मैं आपको। हेडलाइन लिख देनी है, फिर बाय लाइन, बाय सपना, फिर डिटेल्स लिखनी है, व्हाट, वेयर, व्हेन, बाय, हाउ, ये सब कुछ आपको लिख देना है, इसमें 2-3 पैराग्राफ निकाल देने, फिर फर्दर डिटेल्स लिखनी है, फिर अपना कमेंट्स और कंक्लूजन लिख देना है लास्ट में। ये हो गया आपकी रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट। अब आ गई डायलॉग राइटिंग फॉर्मेट। ये भी क्वेश्चन आता है आपका, क्योंकि अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो में अपने इंग्लिश ए का पेपर नहीं देखा है 2021 का, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर दे रखा है, उस हिसाब से आप ये फॉर्मेट्स भी चेक कर सकते हैं। अब आगे डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग में क्या करना होता है, उसमें आपको 2 या 3 जने चाहिए होते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए जो एक दूसरे से बात करें। सबसे पहले टीचर, उसका नाम लिखना है, जो बोलेगा मोना सेड ऑफ व्हाट आई एम टीचिंग, स्टूडेंट बोलेगा सर यू आर टीचिंग ग्रामर, मतलब आपको कहानी बतानी, जैसे 2 चीज़ें बातें कर रहे हैं तो उनको आपको लिखना है,
मिनिमम 2 स्पीकर रिक्वायर्ड हो चाहिए, और उसमें पैराग्राफ नहीं लिखते, उसमें पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, जो बोलेगा उसका नाम आगे, फिर जो बोल रहा है वो, फिर जो आंसर देगा उसका नाम आगे, फिर वो बोलेगा जो। अब देख सकते हैं, मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ डायलॉग का। जैक, हाय आंटी, हाउ आर यू? फिर आंट ने बोला, हाय जैक, आई एम फाइन, थैंक यू, यू लुक हैंडसम माय बॉय। फिर जैक ने बोला, हाय हेड अंकल टॉम वाज नॉट सो वेल, डिड यू ब्रिंग हिम टू क्लिनिक? पहले आपको क्वेश्चन पूछने हैं, वो आंसर देगा, फिर वो क्वेश्चन पूछेगा आपको आंसर। ऐसे बस आपको बनानी है, कहानी सी बनानी है, एक पर पॉइंट्स बनानी है। इसमें पैराग्राफ यूज मत करिएगा कभी भी, इसका फॉर्मेट ये होता है डायलॉग का, पॉइंट्स में लिखना होता है। अब लास्ट आ गया आपका स्पीच राइटिंग फॉर्मेट। स्पीच राइटिंग फॉर्मेट में क्या करना होता है, देख सकते हैं। फॉर्मेट फॉर स्पीच, देयर इज नो हेडिंग, इसमें कोई हेडिंग नहीं होती स्पीच में। द फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट कंटेन द टॉपिक एंड द नेम ऑफ द स्पीकर, मतलब नेम ऑफ द स्पीकर लिखना और टॉपिक लिखना है कि आप किस बारे में बताना चाह रहे हैं। ये स्पीच रिटन इन 4 पैराग्राफ, स्पीच में हमेशा 4 पैराग्राफ होने चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, टू बिगेन विद अ कोट और सेइंग, मतलब कोई अच्छा सा कोट लिख देना है, फॉलोड बाय द इंट्रोडक्शन, जो भी आपका टॉपिक हो उसके रिलेटेड कोई बड़े सा कोट्स लिख देना है और स्पीकर के बारे में लिख देना। फिर सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है, कॉज या इफेक्ट, मतलब उससे क्या दिक्कतें आ रही है, बिगेन विद द लिंक। और थर्ड पैराग्राफ में लिखना है आपको सॉल्यूशन बताने या सजेशन देना है, ओपिनियंस देना कि आपका ओपिनियन क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड। समझ लीजिए आपका टॉपिक है कि आपके बिजली चली जाती है, तो आपको क्या सजेशन देने कि टाइम टू टाइम, इस टाइम एक टाइम रख लीजिए, इस टाइम जब बिजली जाए, ऐसे कोई भी टॉपिक आ सकता है आपका। फोर्थ पैराग्राफ क्या होगा, फोर्थ पैराग्राफ में लिखना है कंक्लूजन और एंड विद थैंक यू, उसमें लास्ट में हमेशा थैंक यू लिखना है स्पीच राइटिंग में, और हेडिंग तो होती नहीं इसमें। 4 पैराग्राफ लिखना है, बस आपको कहानी से बना के लिखनी है। चलिए आपको एक एग्जांपल भी दिखा देते हैं। योर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग द टीचर्स डे, राइट अ वेलकम स्पीच फॉर द टीचर्स डे फंक्शन। सबसे पहले आपको वेलकम टू द टीचर्स डे फंक्शन, फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर ओपनिंग लाइन, आई वेलकम यू ऑल द ओकेशन फॉर द टीचर्स डे, दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू शो। फिर आपको बॉडी लिख देनी है, फिर जो आपको बताया, कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन सजेशन ओपिनियंस, और लास्ट में कॉन्क्लूजन लिख देना है, और लास्ट में हमेशा थैंक यू जरूर लिखिए क्लोजिंग नोट। ये इसका फॉर्मेट है, आप देख लीजिएगा। ये फॉर्मेट आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे ना, आपको फॉर्मेट ये याद हो जाएंगे। बाकी आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, तो मैं अपना ये जो मैंने बनाया PDF, ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा। अगर आप सब बच्चे अच्छा प्यार दिखाएंगे इस वीडियो पे, तो आपको ये PDF ज़रूर मिलेगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे साथ जुड़ा रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।